हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एनालॉजी के बारे में सीखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। जीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे एग्ज़ाम, तो सभी में एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं उसका कंसेप्ट, उसका एग्जांपल्स, तो क्या है उसका मीनिंग। तो अ रिलेशनशिप और लाइकनेस, लाइकनेस का मतलब है सिमिलैरिटी बिटवीन टू पीपल, ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस। तो ऐसे दो व्यक्ति है, कोई ऑब्जेक्ट है, दो कोई परिस्थिति है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, या तो क्या सिमिलैरिटी है, दोनों के अंदर क्या साम्यता है, तो उसके हिसाब से हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। तो दूसरी लैंग्वेज में देखें तो एनालॉजी को हम कंपैरिजन मान सकते हैं, सिमिलैरिटी, सिमिली, मेटाफोर, ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच है। रीजनिंग फ्रॉम पैरेलल केसेस, तो ऐसे केस होते हैं कुछ सिचुएशन जो पैरेलल जा रही है, तो उनका क्या रिलेशन है वो हमें डिसाइड करना है और उसका आंसर देना है। तो देखो उसे समझते हैं डिटेल में। टू आइटम्स और वर्ड्स और नंबर्स, या तो कोई चीज़ वस्तु है, कोई शब्द है, या तो कोई नंबर से, हैव अ पर्टिकुलर रिलेशन विथ ईच अदर, तो उनका एक दूसरे के साथ कुछ संबंध है। थर्ड आइटम बेयर्स का मतलब क्या है, हैव। थर्ड आइटम्स बेयर्स द सेम रिलेशन विथ वन ऑफ द आंसर्स एज चॉइस, तो आपको तीन दिए जाएंगे और एक बाकी होगा जो आप सॉल्व करना है, आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। उसमें जनरली आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो जो आंसर है वो दो आगे के जो आपको दिए उसका क्या रिलेशन है, और जो थर्ड वन दिया है तो उसका सेम रिलेशन होना चाहिए। तो एग्जांपल लेके कि एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, कोहली तो क्रिकेट, रोनाल्डो तो क्या, तो देखो ब्लू पेन से लिखा है, तो कोहली का रिलेशन है क्रिकेट के साथ। आप उल्टा भी बोल सकते हो, क्रिकेट तो कौन खेलता है, कोहली, तो रोनाल्डो क्या खेलता है, फुटबॉल, तो फुटबॉल का रिलेशन है रोनाल्डो के साथ। तो ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड रिलेशन दिखाया है कि एक प्लेयर है तो सामने उसकी गेम है, तो दूसरा प्लेयर है तो उसकी गेम क्या है। तो देखो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मार्क है वो उसका पोजिशन देखते हैं, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आ सकता है, सेकेंड में आ सकता है, थर्ड में आ सकता है, या तो फोर्थ में आ सकता है। और फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड का हो सकता है, फर्स्ट और फोर्थ का हो सकता है, कभी कभी फर्स्ट और सेकंड मतलब सीधा सिंपली होता है, सिंपल सीक्वेंस जा रही है, और कभी कभी उल्टा सोचना पड़ता है, सेकंड टू फर्स्ट सोचना पड़ता है, तो उसी हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इसे ऐसे भी पूछा जाता है, जो छोटे स्टैंडर्ड है ना, फिफ्थ सिक्स, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में ऐसा पूछा जाता है, एयर इज टू ब्रीथ एज वाटर इज टू डैश, तो एयर क्यों है, श्वास में लेने के लिए, ब्रीथिंग में, तो पानी किसके लिए है, तो पीने के लिए, तो ऐसे उसका हम रीड कर सकते हैं, एयर इज टू ब्रीथ एज वाटर इज टू ड्रिंक। अभी देखेंगे कौन से रिलेशनशिप जो दिखाए जा रहे थे, तो कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके टाइप्स हम देखते हैं। तो रिलेशनशिप ऑफ पर्पस, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पर्पस है, कोज एंड इफेक्ट, न्यूमेरिकल जो एनालॉजी होती है, सिनोनिम दिया जाता है, इंग्लिश में आपको सिनोनिम दिया गया है, एक वर्ड है उसका सिनोनिम, फिर तीसरा वर्ड दिया गया है उसका सिनोनिम आपको बताना है, एंटोनिम दिए जाते हैं, एक्शन टू ऑब्जेक्ट, पार्ट एंड होल, पार्ट एंड पार्ट, डिग्री, ग्रामेटिकल, सिक्वेंस, तो ऐसे अलग अलग हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं, एक ये हमारे पास है न्यूमेरिकल एनालॉजी, देखते हैं, 4:12 एज, फिर क्वेश्चन है, तो पूरा थर्ड और फोर्थ दोनों हमको देखना है जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम देखते हैं कि तो फोर्थ रिजल्ट 12 होता है, तो इसके ऑप्शन के अंदर 9:27 हो जाता है, बाकी सब में नहीं होता। देखो आप 10:3 करोगे तो 30 होता है लेकिन 6 दिया है, 3:3 करोगे तो 9 होता है लेकिन 4 दिया गया है, 12:3 करोगे तो 36 होता है लेकिन 6 दिया गया है, तो नीचे लिखा है
12 is 4 इंटू 3, तो सिमिलरली 27 भी 9 इंटू 3 हो जाता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर, तो ऐसा हमको लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। कभी कभी लॉजिक यूज़ करना है, कुछ में जीके होते, तो जीके कोई भी फील्ड का हो सकता है, मूवी है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, पॉलिटिक्स है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है। चलो ये देखते हैं, होंडा इज टू एक्टिवा एज डैश इज टू जुपिटर। तो होंडा तो उसका एक्टिवा, मतलब एक्टिवा की ब्रांड है होंडा, उसकी कंपनी कौन सी, होंडा। तो जुपिटर की कौन सी कंपनी होगी, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा, तो TVS जुपिटर आता है। तो देखो क्वेश्चन कौन से नंबर पे दिया है, 3, तो हम ऐसा सोच सकते हैं एक्टिवा की कंपनी होंडा, तो जुपिटर की कौन सी, तो TVS, इसी हिसाब से हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं। ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके अभी आगे देखते हैं, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी हिंदी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो जयपुर इज टू राजस्थान, जयपुर इज टू राजस्थान एज इम्फाल इज टू डैश क्वेश्चन मार्क। तो अभी देखो जयपुर राजस्थान, तो क्या रिलेशन है, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, तो इम्फाल किसका कैपिटल है, तो आपको स्टेट का नाम बताना पड़ेगा, तो मणिपुर का कैपिटल है। अब ये देखो सू इज टू लेदर, तो हाईवे इज टू एस हाईवे इज टू क्वेश्चन मार्क, तो लेदर में से हम सू बना सकते हैं, तो हाईवे हम किस में से बना सकेंगे, तो उसके लिए देखो क्या आएगा, आसफाल्ट, वो डामर बोलते हैं ना ब्लैक कलर का वेस्टेज, पेट्रोलियम जो प्रोसेस होता है उसके अंदर, तो सू तो लेदर, तो हाईवे किस में से बनता है, सू किस में से बनता है, लेदर में से, तो हाईवे किस में से बनेगा, तो उसका मटेरियल बताना है, तो आसफाल्ट। अब ये देखो डोर, फिर क्वेश्चन मार्क, टेलीफोन तो रिंग, तो टेलीफोन में क्या बजता है, रिंग, तो डोर को हम क्या कर सकते हैं, नॉक, क्या कर सकते हैं, नॉक। तो ये सोच समझ कर आंसर देना है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन और मिस्टेक भी होने के चांसेस है। अगर आपने रिलेशनशिप पहचानने में गलती कर दिया तो आप की लिख सकते हो, रूम लिख सकते हो, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो न्यूमेरिकल आया, 27:3 एस 64:what, तो ये देखो इधर क्यूब है, स्क्वायर और क्यूब आते हैं ना, तो 3 का क्यूब क्या है, 27, तो 64 किसका क्यूब है, तो 4 into 4 into 4 करोगे तो 64 आंसर आ जाएगा। अभी देखो मेडिसिन क्या करती है, क्योर, तो बुक, बुक हम क्या कर सकते हैं, उसका पर्पस क्या है, तो रीड, रीड करने के लिए, तो ये आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब एनालॉजी के अलग अलग कैटेगरी के एग्जांपल्स बताए। अभी मैं आपके टेस्ट लेना चाहूँगा, तो आपके लिए 10 क्वेश्चन है, तो आप उसकी टेस्ट दो, उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, तो आपका एनालॉजी का कंसेप्ट कितना क्लियर है मुझे पता चल जाएगा। एनालॉजी का कंसेप्ट अभी आपका क्लियर है कि उसके अंदर क्या आता है, वो रिलेशनशिप है और लाइकनेस है दो पीपल ऑब्जेक्ट और सिचुएशन के बीच दिखाया जाता है। उसे सॉल्व करने के लिए जीके चाहिए और मैंने आपको थोड़े एग्जांपल भी दिए, तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मुझे भी खुशी होगी। तो देखो नेदरलैंड्स डच, तो क्वेश्चन मार्क जर्मन्स, आपको खुद समझना है फिर आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। नेट इज टू बॉल, हुक इज टू व्हाट, राम इज टू लक्ष्मण एज बलदेव इज टू क्वेश्चन मार्क, अल्लू अर्जुन इज टू DJ एज डैश इज टू बाहुबली। देखो मैंने मूवी रिलेटेड भी क्वेश्चन रखे है, कुछ में मैंने ऑप्शन दिए कुछ में नहीं दिए। अभिषेक इज टू बच्चन क्वेश्चन मार्क जैकी श्रॉफ, हॉकी इज टू इंडिया एज क्रिकेट इज टू क्वेश्चन मार्क, धनुष इज टू चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो क्वेश्चन मार्क इज धनुष एस चेन्नई एक्सप्रेस इज टू शाहरुख खान, दाल बाटी इज टू राजस्थान एस डैश क्वेश्चन मार्क इज टू मुंबई, ह्युंडई इज टू I20 एस व्हाट इज टू रैपिड,
तो इसके लिए आपका जीके अच्छा होना चाहिए। राउंडर इज एज टू मैस एज टेस्ट ट्यूब इज टू व्हाट, तो ये फिर से क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार आप अच्छे से रीड कर सकते हो और उसके आंसर मुझे बताना। 10 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपको, कमेंट बॉक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है एनालॉजी सॉल्व करने के तो आप उसके आंसर बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसका फॉर्मेट आप देख सकते हो, इंग्लिश में भी ऐसे पूछा जाता है, एयर इज टू ब्रीथ एज वाटर इज टू वॉट, और ये मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया है। फर्स्ट नंबर का सेकंड के साथ रिलेशन, या तो फर्स्ट का थर्ड, या तो फर्स्ट का फोर्थ के साथ।